हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन। व्हाई डू पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली फॉलो इट। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न पॉपुलेशन का जो होता है वो क्या है, उसको फर्स्ट एक्सप्लेन करना होगा। और फिर ये हमको बोल रहा है कि सभी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ पैटर्न होते हैं सब ऑर्गेनिजम्स का, वो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न को क्यों फॉलो करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन ये क्या होता है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ मॉडल, जहां पे इट कंसिडर्स द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो रेट होता है वो ये कंसिडर करता है यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं उसको यूज करके जो पॉपुलेशन का ग्रोथ, पॉपुलेशन का साइज जो इंक्रीज होता है, दैट इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो कैसे होता है, वो ये ग्रोथ मॉडल रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन, इसका इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन है डी एन डी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। तो ये होता है इक्वेशन फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। और यहाँ पे आर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल मतलब, बायोटिक पोटेंशियल होता है मैक्सिमम रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, जो उसे बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। सो बायोटिक पोटेंशियल इज द मैक्सिमम रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। फिर यहाँ पे डी एन डी टी जो है, ये डी एन डी टी ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जहां पे एन जो है ये डिनोट करता है पॉपुलेशन का साइज, या फिर इसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी कह सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज। तो इसका जो रेट हो रहा है इसे ये रिप्रेजेंटेड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बायोटिक पोटेंशियल, और एन हम जानते हैं पॉपुलेशन साइज है। तो यहाँ पे के जो रिप्रेजेंटेड हुआ है, ये के होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी होता है, ये होता है मैक्सिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स दैट द एनवायरनमेंट can sustain at a time। तो at a time environment जितना population वो carry कर सकता है, मतलब maximum जो ये allow कर सकता है population का growth, उसे हम कहते हैं carrying capacity। तो ये represented होता है with the help of k। So this is the equation for, we are labeling this as the equation for the logistic growth pattern। तो अब हम ये logistic growth pattern जो है इसका graph हम देखते हैं क्या होता है। So the graph of the logistic growth pattern is represented like this। ये है y-axis और ये है x-axis, और y-axis में represented होता है population density, that is n, और ये y एक्सिस में रिप्रेजेंटेड होता है पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज n, और x एक्सिस में रिप्रेजेंटेड होता है टाइम दैट इज t। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि d n d t जो है, ये उस ग्राफ का इक्वेशन जो है d n d t इज इक्वल्स टू r n इनटू k माइनस n बाय k, मतलब ये जो ग्राफ होता है इसका स्लोप है ये। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ।
आर एन इंटू के माइनस एन बाई के। तो इस ग्राफ का शेप ऐसा होता है, दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। तो यहां से इसका स्लोप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये आर एन इंटू के माइनस एन बाई के। तो यहाँ पे ये ग्राफ तीनों फेजेस में डिवाइडेड होता है, ऐसे तीन फेजेस रहता है। यहाँ पे पहला फेज, ये है दूसरा फेज और ये होता है थर्ड फेज। सो दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज द सेकंड फेज एंड दिस इज द थर्ड फेज। तो ये तीनों फेज क्या होता है ये हम लिख लेते हैं। सो फर्स्ट फेज जो होता है उसे हम कहते हैं लैग फेज। और लैग फेज में क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ जस्ट हैज स्टार्टेड, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिजम्स दीज आर ट्राइंग टू स्लोली एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। और क्योंकि ये स्लोली एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहा है तो इसका ग्रोथ अभी भी उतना अच्छा से नहीं हुआ है, जो ग्रोथ हैज जस्ट स्टार्टेड। फिर सेकेंड फेज में ये होता है लॉग फेज। तो लॉग फेज मतलब अब जो ऑर्गेनिजम्स है वो एनवायरनमेंट एडजस्टेड हो गया है, दीज हैव एडजस्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। और अब क्योंकि एनवायरनमेंट में एडजस्टेड हो गया है तब इसका जो पॉपुलेशन साइज होता है, पॉपुलेशन साइज क्या करेगा, दिस विल इंक्रीज रैपिडली। तो ये ऐसे ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये बढ़ रहा है। सो दिस एडजस्टेड पॉपुलेशन विल इंक्रीज लीनियरली रैपिडली एंड इट विल रीच द मैक्सिमम ग्रोथ। और जब ये मैक्सिमम ग्रोथ पे रीच कर जाता है तब ये थर्ड फेज में एंटर करता है जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि ये सैचुरेशन यहाँ पे हो जाता है, ग्रोथ का सैचुरेशन हो जाता है जिसके लिए ग्रोथ जो है वो स्टेबल बनकर अल्टीमेटली स्टॉप्स। तो इसके बाद कोई भी ग्रोथ नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दैट इज टाइम। तो ये होता है ये एक्चुअल लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन जो हम एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाई डू पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली फॉलो इट। तो ये ग्रोथ मॉडल क्यों अल्टीमेटली ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं तो ये हम देखते हैं। सो द रीजन फॉर फॉलोइंग दिस ग्रोथ मॉडल ये क्या, पहला रीजन जो है वो है दिस कंसिडर्स द लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट। तो हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट रिसोर्सेज लिमिटेड होता है और ये ग्रोथ मॉडल उसे कंसिडर करता है, दैट इज दिस कंसिडर्स द रियलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और ये एनवायरनमेंटल जो रेजिस्टेंस होता है हम जानते हैं एनवायरनमेंटल रेजिस्टेंस उसे भी ये कंसिडर करता है। हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन का जो थियोरी होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फिट होता है वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है और other organisms will not be selected for evolution and these will eventually die out. तो ये सभी resistance और limitations ये consider करता है जिसके लिए ये हो जाता है एक realistic growth model. So this is the reason why all organisms will follow the logistic growth model. Hope you've understood it well. Best of luck.